हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कटोच किचन में, वेयर वी कुक विद लव और जहां बनती हैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज। तो कटोच किचन में आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। चिकन टिक्का मिलेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, स्मोकी और जूसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रिपरेशन। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है 250 ग्राम चिकन, मैंने लिया है बोनलेस चिकन जिसके कुछ इस तरह से मैंने पीसेस कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही में से पानी जो है बिल्कुल आपको निकाल देना है। उसके बाद मसालों में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही ऐड किया है थोड़ा सा चिकन मसाला। ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के जो हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मैरिनेशन को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैंने लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट जो हैं आपको सरसों के तेल में ही मिलेंगे। तेल को अच्छे से पैन में फैला लें। इसके बाद जैसे ही हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें बारी बारी से जो चिकन के पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे थे उनको यहाँ पे ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें इन चिकन के पीसेस को अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट बैच यहाँ पे ऐड कर दिया है। हल्का सा इनको चला लेंगे ताकि जो ऑयल है वो प्रॉपरली सभी पीसेस के ऊपर आ जाए और पीसेस जो है नीचे से जले ना। तो लगभग 30 से 40 सेकंड मैंने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद हम इनको धीरे धीरे पलटना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं नीचे से हल्के से पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी पीसेस को हम साइड चेंज कर लेंगे, हल्का सा इन्हें चला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह से थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें पीसेस को अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है स्टार्टिंग में। तो यहाँ लगभग मुझे सेकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं चिकन जो है पकना स्टार्ट हो चुका है। चेक करने के लिए हमारा चिकन पका है या नहीं, हम एक टूथपिक जो है पीस के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर टूथपिक इजीली अंदर इंसर्ट हो जा रही है तो इसका मतलब जो है हमारा चिकन जो है अच्छे से पक चुका है। इसके बाद गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके हम इन पीसेस को सेक लेंगे ताकि जो हमारे जो पीसेस हैं उनमें थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट आ जाए। मैं यहाँ पे गैस पे इनको बिल्कुल नहीं सेकूंगा, इसी तरह से हाई फ्लेम पर थोड़ा पीसेस को पैन के ऊपर सेक लेंगे। तो अब सभी पीसेस को अच्छे से सेकने के बाद हम उन्हें कढ़ाई में से यहाँ निकाल लेंगे और इसी तरह जो सेकंड बैच है उसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो फर्स्ट बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैंने सेकंड बैच भी सेक लिया है। इसके बाद मैं इस पैन में थोड़े से यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी शिमला मिर्च के पीसेस जिन्हें मैंने इस तरह से क्यूब्स के फॉर्म में कट कर लिया है। साथ ही मैंने एक प्याज लिया है जिसके मैंने इस तरह से क्यूब्स कट लिए हैं। इसके बाद लगभग इन्हें हमें आधे मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेना है। इनका जो कच्चापन है वो हल्का सा निकल जाना चाहिए, पूरी तरह से इन्हें नहीं पकाना है। जैसे ही हल्के से पक जाएं, इनमें थोड़ा सा स्मोकी सा टेस्ट आ जाए, हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। अब चलते हैं सॉसेस की प्रिपरेशन की ओर। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मेयोनीज ऐड की है। साथ में ऐड कर दिया है थोड़ा सा रेगुलर टोमेटो केचप, साथ ही ऐड कर दूंगा थोड़ा सा रेड चिली सॉस। इसके साथ मैं ग्रीन चिली सॉस भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप टोमेटो की प्यूरी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप टोमेटो की प्यूरी भी ऐड करके उसको अच्छे से पका लें। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बाकी के सॉसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इनमें हल्का सा बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम हो जाए। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे पानी के साथ। आप देख सकते हैं सर बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर हम यहाँ ऐड कर देंगे हमारे मसाले। मसालों में यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करना है। बाकी के मैं जो मसाले हैं हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में यूज़ किए थे, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मसाले हमारे नीचे ना लगें इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको चला लिया है। इस स्टेज पर हमने जो चिकन पकाया था उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके साथ ही जो कैप्सिकम और प्याज हमने तैयार किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से चला लेंगे ताकि जो हमारे सॉसेस हैं वो अच्छे से उनकी कोटिंग जो है इन पीसेस के ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी इजी रेसिपी है, और इसी के साथ आपका जो चिकन टिक्का है जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इन्हें अच्छे से चला लेंगे।
लगभग आधे मिनट के लिए मैं इनको ढककर भी पका लूंगा ताकि अगर इसमें किसी तरह का कोई कच्चापन है वो भी निकल जाए। तो लगभग आधा मिनट और पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन टिक्का है वो बनके बिल्कुल तैयार है और सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप जल्द ही अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेंशन कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।